ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर पेड़ काटने का विरोध करने वाले कॉलोनी वासियों के घरों में अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया और पथराव करते हुए गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। घटना देवेंद्र नगर सेक्टर 3 मुख्य मार्ग की है। कॉलोनी वासियों ने शुक्रवार सुबह विरोध प्रदर्शन कर फुटपाथ निर्माण कार्य को रोका था। यहां पर पेड़ काटकर फुटपाथ बनाने की कोशिश की गई थी। पीड़ित दिनेश शर्मा और कॉलोनी वासियों ने का कहना है कि घरों में पत्थर मारकर हमें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भूले ना कि चाहे जो भी कर लें हम पीछे नहीं हटेंगे और इन 200 पौधों को काटने नहीं देंगे। मौके पर जाकर जायजा लिया स्वराज संवाददाता सत्य राजपूत ने। किनारे लगे लगभग 200 पेड़ को बलि वेदी से बचाने का विरोध करने वाले यहाँ के स्थानीय लोगों पर बीते रात हमला हुई है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी गाड़ी है और जो पेड़ काटने के विरोध में खड़े हुए थे। ये घटना कितने समय की है? ये घटना कल शाम की है, लगभग 7 से 9 के बीच में ये घटना हुई है। एग्जैक्ट टाइम तो चूंकि हम घर के अंदर थे हमको पता नहीं है, परंतु ये सबसे एकदम दुखदायी घटना है और लोगों के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोग अच्छे काम के लिए आगे ना आए इससे रोकने के लिए ये घटना है। परंतु हम लोग इससे नहीं डरने वाले, ये कांच फोड़ें चाहे घर तोड़ें इससे हम नहीं डरेंगे और अच्छे काम के लिए हम अग्रसर रहेंगे कंटिन्यू। उनको हम इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं जो तोड़े हैं कांच, कि वो हमको डराने की साजिश ना करें, षड्यंत्र ना करें। हम कंटिन्यू अच्छे काम में लगे रहेंगे और डरेंगे बिल्कुल नहीं। क्या क्या लगता है किसने किया होगा ये घटना? इसके बारे में कुछ कह पाना तो बड़ा मुश्किल है जब कोई किसी को किसी ने देखा नहीं है और कोई चश्मदीद आदमी भी नहीं है कि जो बता सके, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता किसने किया होगा। स्थानीय पार्षद और यहाँ के लोगों का क्या रवैया रहा है अगर हम पार्टीगत बात करें? नहीं, अब पार्षद जी तो कल आए नहीं थे और पार्षद जी का तो इस संदर्भ में क्या रवैया है ये तो पता नहीं, ये तो उनसे पूछने। कॉलोनी वासी यहाँ खड़े आए और पेड़ के साथ खड़े हो गए, अगर इसको हम काटने नहीं देंगे, लेकिन खामियाजा ये हुआ कि बीते रात यहाँ पे हमला हुई है और इस हमले से इनको डराने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ दुखद बात यह है कि एक ओर जहाँ ऑक्सीजन के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, वही दूसरी ओर ये पेड़ों को बचाने के लिए जो लोग सामने आए हैं उन पर हमला हो रहा है। अब देखना ही होगा कि प्रशासन इस पर किस तरह से एक्शन लेती है। रायपुर से कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस।